नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं ये जो हमारा जो है दो सॉकेट और यहाँ जो है चार स्विच, एक इंडिकेटर और एक होल्डर का कनेक्शन यहाँ हम करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, तो चूंकि हम यहाँ जो है इसको पलट लेते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं जो हमारा इसका कनेक्शन है कैसे, सबसे पहले कैसे करेंगे। तो गाइज हम यहाँ देख इसको काट लेते हैं और एक वायर यहाँ से होल्डर से नाप लेंगे, जिससे जो है दोनों वायर को एक ही साथ हम जो है लगा लेंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले न्यूट्रल वायर का कनेक्शन करने वाले हैं, जो कि जो है सबसे पहले हम यहाँ न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं दोनों वायर को सबसे यहाँ जो है अच्छी तरह से लपेट लेते हैं। तो चूँकि यहाँ लपेटने के बाद जो है यहाँ देख सकते हैं सॉकेट के एक टर्मिनल में हम यहाँ लगा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं उसके बाद जो है दूसरा टर्मिनल जो है हमने होल्डर के एक टर्मिनल में लगा लेते हैं। तो यहाँ भी हम एक वायर लगा लेंगे, चूँकि जो है हम न्यूट्रल में कनेक्शन कर रहे हैं और सभी को एक ही में जो है हम ज्वाइंट करते चलेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने होल्डर में यहाँ लगा लिया है। अब यहाँ से जो हम यहाँ लगाएंगे इसको जो है इसे इंडिकेटर में लगा देंगे, चूँकि इंडिकेटर का जो है हमें न्यूट्रल फेज दोनों देना है। तो चूँकि हम इंडिकेटर में यहाँ न्यूट्रल दे दे रहे हैं, अब यहाँ जो बच जाएगा फेस, तो यहाँ जो है इंडिकेटर में फेस देना रहेगा। तो यहाँ देख सकते हैं ये जो हमारा इस सॉकेट के टर्मिनल में लगा ले रहे हैं, तो इस सॉकेट में भी हमारा लग चुका है। तो ये हमारा जो है फाइनली जो है न्यूट्रल का कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब जो है हम करेंगे जो है फेस का कनेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले जो इन चारों स्विचों को आपस में कनेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं इन चारों स्विचों को हम आपस में यहाँ से कनेक्ट कर लेंगे और इसको जो है अच्छी तरह से यहाँ से कस लेंगे, ठीक है। और यहाँ भी इन दोनों स्विचों को कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और इस स्विच को लगाने के बाद अच्छी तरह से कस लेंगे, जिससे जो है हमारा स्पार्किंग का डर ना रहे। तो यहाँ मैंने इसे जो है ज्वाइंट कर लिया है अच्छी तरह से। अब यहाँ देख सकते हैं उसके बाद जो है स्विच से हम जो है कनेक्शन देंगे सॉकेट को दूसरे टर्मिनल में। तो यहाँ देख सकते हैं स्विच से सॉकेट के दूसरे टर्मिनल में हम कनेक्शन दे देते हैं, जिससे हमें जो है पावर सप्लाई सॉकेट के इस दूसरे टर्मिनल में मिल सकती है। तो यहाँ से हम इसको कनेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो है यहाँ दूसरे स्विच से जो है दूसरे सॉकेट के दूसरे टर्मिनल में यहाँ कनेक्ट कर लेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ। तो मैंने जो है इसको इस सॉकेट से यहाँ कनेक्ट कर ले रहे हैं। उसके बाद जो है हमारा यहाँ रह जाएगा, इसको जो है अच्छी तरह से यहाँ से जो हम यहाँ से कस लेंगे। उसके बाद जो हमारा ये रहे होल्डर है, होल्डर का जो है स्विच से कर लेंगे। एक स्विच जो हमारा बच रहा है, तो इसका जो है कनेक्शन हम यहाँ से जो है फैन का कर सकते हैं। यहाँ एक जो है जैसे कि हमने एक रूम में फैन लगा दिया, वहाँ से हम इस फैन का कनेक्शन कर सकते हैं या किसी और बल्ब का कनेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो चूँकि हमें एक बोर्ड में कनेक्शन, चूँकि हमने इस बोर्ड में कनेक्शन दे दिया है, इसलिए जो है चाहे फैन भी लगा सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसका होल्डर का कनेक्शन भी कर लिया है। अब हमारा बच गया इंडिकेटर का, फेस कहाँ से दें। तो हम जो है इंडिकेटर का जो है हमारा चारों स्विच का आपस में कनेक्ट किए हैं, वहीं से हम जो है इंडिकेटर का फेस कनेक्शन दे देंगे। तो यहाँ से अब लग जो इसे थोड़ा सा यहाँ से लगा लेंगे, थोड़ा स्क्रू ढीला करके यहाँ से लगाने के बाद जो है हम यहाँ से फेस दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा फेस पावर सप्लाई यहाँ से मिल चुका है। अब जो है हमें एक वायर जो है फेस से ले लेना है और दूसरा जो है न्यूट्रल से, तो हमारा ये कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो देख सकते हैं हमने एक ले लिया है, एक जो है प्लग ले लिया है, और यहाँ से हमने फेस में एक वायर कनेक्ट कर दिया और दूसरा वायर जो है हम यहाँ से कनेक्ट कर लेंगे न्यूट्रल में। अब इसको हम सप्लाई देकर देखते हैं। तो चूँकि हम इसे लगा दे रहे हैं और आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। तो आइए हम एक जो है बल्ब से इसे कनेक्ट करके दिखा दे रहे हैं। तो ये देख सकते हैं आप, तो अब स्विच को ऑन कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो देख सकते हैं जो हमारा ये वर्क कर रहा है इंडिकेटर भी।
तो धन्यवाद।